गुड मॉर्निंग गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है स्टडी वंस। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फंक्शनल स्मोक टावर इन इंडिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने स्मोक टावर का इनॉग्रेशन किया है। स्मोक टावर आनंद विहार दिल्ली में बनाया है। ये इंडिया का फर्स्ट टावर है। स्मोक टावर क्या करेगा, एयर को प्यूरिफाई करेगा टू रिड्यूस पोल्यूशन। और इस स्मोक टावर को बनाया है टाटा कंपनी ने। इसकी कैपेसिटी है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके अलावा इसकी हाइट 20 मीटर की है और इसके साथ जो फिल्ट्रेशन सिस्टम यूज़ किया है वो फिल्ट्रेशन सिस्टम डिज़ाइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा ने। सेकेंड क्वेश्चन, द फर्स्ट हाई लेवल पॉलिसी डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज हेल्ड वर्चुअली? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिया और जापान के बीच में फर्स्ट हाई लेवल पॉलिसी डायलॉग हुआ है और इसका इनॉग्रेशन, इसमें प्रेजेंट थे भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव इज़ अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। उसके अलावा मिस्टर कोइजुमी शिंजरो वो मिनिस्टर है ऑफ एनवायरमेंट ऑफ जापान, वो जापान के एनवायरमेंट मिनिस्टर है। उसके अलावा जापान की कैपिटल है टोक्यो, वहाँ की करेंसी है येन, वहाँ के पीएम हैं यशुदा सुगा और वहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है सुमो रेसलिंग। थर्ड क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस क्रूज इट विल बी सेल थ्रू इंडियाज डेस्टिनेशन विथ इट्स बेस एट विच सिटी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई से होकर ये क्रूज गुजरेगा। ये इंडिया का फर्स्ट क्रूज है और इसे स्टार्ट किया है IRCTC के द्वारा। IRCTC इज़ अ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और ये 18 सितंबर से होने वाला है। और IRCTC ने एक एग्रीमेंट साइन किया है बाय MS वाटरवेज लेक्चर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। फोर्थ क्वेश्चन, ऑन विच डेट तमिलनाडु गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ EV रामस्वामी पेरियर एज अ सोशल जस्टिस डे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 17 सितंबर। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि EV रामस्वामी पेरियर इनका जन्म दिवस एज अ सोशल जस्टिस डे के नाम से मनाया जाएगा। इस तमिलनाडु के CM हैं MK स्टैलिन। उसके अलावा तमिलनाडु के गवर्नर है बनारवली पुरोहित। फिफ्थ क्वेश्चन, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर इन अ मल्टी ईयर डील? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने जैवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है फॉर 68.95 मीटर के लिए। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है।
बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो बजरंग पुनाई ने 65 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन टोक्यो ओलंपिक्स। अवनी लेखराना ने एयर राइफल में 10 मीटर के लिए गोल्ड जीता है और 50 मीटर्स के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह को न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर घोषित किया है ऑफ BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के। BPCL के अलावा BPRCRL इज भारत पेट्रोलियम रिसोर्सेस, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर MS रमेश को बनाया है। BPRL इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ BPCL। सेवेंथ क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अनमार्क्ड अ ग्रांट ऑफ रुपीज 2.77 crore फॉर सेटिंग अप बाम्बू बेस इंडस्ट्रीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट ने ग्रांट किया है 2.77 crore फॉर बाम्बू बेस इंडस्ट्रीज बनाने के लिए और वो 10 एरिया में बनाए जाएंगे, 10 एरिया में बनाए जाएंगे। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ के CM हैं शिवराज सिंह चौहान, MP के गवर्नर है मंजूभाई छगन भाई पटेल। उसके अलावा MP में अगर हम GI Tech की बात करें तो चंदेरी फैब्रिक्स के लिए GI Tech मिला है। उसके अलावा लेदर टॉयज ऑफ इंडिया, बेल मेटलवेयर ऑफ दताई, रतलाम सेफ और ताकिनगढ़, इन सब के लिए GI Tech मिला है MP को। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो पंजाब के CM हैं अरमिंदर सिंह, पंजाब के गवर्नर है बनावर लही पुरोहित। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के CM है विजय रूपान, वहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और अगर हम UP की बात करें तो UP के CM है योगी आदित्यनाथ और वहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। एट क्वेश्चन, मोलबियो डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म ट्रूनाट हैज़ रिसीव्ड एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फ्रॉम DCGI फॉर द टेस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निपाना वायरस। निपाना वायरस के लिए एमरजेंसी टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। निपाना वायरस का कोलैबोरेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से। नाइन्थ क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट गाइफोन 502 इनटू स्पेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चाइना। चाइना ने गाइफोन 502 सैटेलाइट लॉन्च किया है और ये किस लिए लॉन्च किया है, इट विल इम्प्रूव द कंट्री ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फियर वाटर एंड लैंड। अगर हम
चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और वहाँ की करेंसी है युआन और वहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इस गैफोन 502 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। 10th क्वेश्चन, एडोप अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इट्स न्यू इंडिया ऑपरेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिभा मोहापात्रा। एडोप ने प्रतिभा मोहापात्रा को एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर घोषित किया है। वो एडोप कंपनी की फर्स्ट वुमेन लीडर है। उन्होंने सक्सेस किया है कुलमित बावा को और एडोप कंपनी के प्रेसिडेंट हैं सिमोन टाटे। 11th क्वेश्चन, बेबी रानी मौर्या हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ विच स्टेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। बेबी राणा मौर्या उत्तराखंड की गवर्नर थी, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ के सीएम हैं पुष्कर सिंह धानी और उत्तराखंड को जीआई टैग मिला है उत्तराखंड तेजपात का। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, यूपी के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब के गवर्नर हैं बनावरलाल पुरोहित और पंजाब के सीएम हैं अरमेंदर सिंह। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय। 12th क्वेश्चन, विच बैंक हैज साइंड एन MOU विथ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन टू ऑफर क्रेडिट सपोर्ट टू MSME अक्रॉस द कंट्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने एक MOU साइन किया है विथ NISC से। NISC इज़ अ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। ये इंडिया की स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए सपोर्ट करेगा, इसलिए ये MOU साइन किया गया है। अगर हम HDFC की बात करें तो HDFC का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। 13th क्वेश्चन, ऑन विच डेट वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंटेशन डे इज ऑब्जर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10th सितंबर, मतलब आज के दिन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंटेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसका 2021 का थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इस दिन को 2003 से शुरू किया गया था और इसे शुरू किया गया था बाय IASP। IASP इज़ एन एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंटेशन कोलैबोरेशन और इसका कोलैबोरेशन था WHO के साथ में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड WFMH। WFMH इज़ अ वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ। तो इसका इस साल का थीम था क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इसका 2003 जब ये स्टार्ट किया गया था तब इसकी थीम थी सुसाइड कैन बी प्रिवेंटेड।
सो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।